हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आज मैं आपको वेस्टर्न रेलवे से जुड़ी बड़ी अपडेट है कि वेस्टर्न रेलवे से चलने वाली एक नई ट्रेन का विस्तार कर दिया गया। आइए देखते हैं क्या पूरी खबर। तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन लगाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको रेलवे से जुड़ी वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। राजस्थान के यात्री लिए काफ़ी अच्छी अपडेट है कि रेलवे द्वारा डूंगरपुर से जल्दी एक नई ट्रेन का संचालन शुरू होने जा रहा है, और ये ट्रेन आपके अहमदाबाद तक चला करेगी। आइए देख लेते हैं क्या है पूरी खबर। देखिए, इसमें बताया गया कि जिले के लोगों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है कि 5 साल बाद डूंगरपुर रेलवे स्टेशन से यात्री ट्रेन की शुरुआत अगले 10 दिन में शुरू होने जा रही है। और इसमें यही बताया कि 15 जनवरी को इसके शुरुआत होने की संभावित तिथि मानी जा रही है। अहमदाबाद के असरावा स्टेशन से हिम्मतनगर तक चलने वाली जो डेमू ट्रेन है, इस ट्रेन का विस्तार कर देगा। अब ये ट्रेन डूंगरपुर तक बढ़ा दिया गया है। इससे डूंगरपुर के जो यात्री हैं इनको काफ़ी राहत होगी, अब वो अहमदाबाद उससे आगे तक का सफ़र कर सकेंगे। और इसमें ये बताया कि अगले आने वाले जो दो दिन हैं इसमें पूरी तरह से फाइनलाइजेशन हो जाएगा किस तारीख से इस ट्रेन का संचालन शुरू किया जाएगा। डूंगरपुर अहमदाबाद के बीच डेमू ट्रेन चलने से जिले की पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी जो होती है गुजरात से जुड़ जाएगी, और इससे रेलवे की तरफ से तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। और इसमें यह बताया कि दरअसल मीटर गेज लाइन पर डूंगरपुर से गुजरने वाली उदयपुर अहमदाबाद रेल जो है वो 31 दिसंबर 2016 को आखिरी बार यहाँ से गुजरी थी, और इसी के साथ डूंगरपुर रेलवे स्टेशन से आगमन होता है जो बंद कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे मीटर लाइन थी, इसको ब्रॉडगेज में कन्वर्ट कर दिया गया था। इसमें ये बताया इसके बाद आगे ब्रॉडगेज लाइन का जो काम है वो पूरा हो गया। 19, 20 और 21 दिसंबर 2019 को इसका CRS निरीक्षण भी हो गया था। इसके बाद ये पहली बार 22 दिसंबर 2020 को यहाँ से राशन से भारी मालगाड़ी जो गुजारी गई थी, उसके बाद यहाँ से कोई भी नई ट्रेन नहीं चली, और इसके बाद जल्द ही यहाँ से नई ट्रेन चलने की भी उम्मीद बढ़ गई है। और रेलवे के जो वरिष्ठ वाणिज्य मंडल के जो प्रबंधक हैं विवेक रावत ने बताया कि 15 जनवरी को संभावित तिथि ट्रेन शुरू करने की बात चल रही है, इसके प्रोसेस पूरे कर रहे हैं, जल्द ये आप देखेंगे यहाँ पर नई ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा। और इसमें यह बताया गया व्यापारी संगठन और आमजन जो होते हैं उन्होंने भी यहाँ पर नई ट्रेन चलाने की डिमांड की गई थी। और सांसद कटारा ने कहा कि अगले 10 दिन में शुरू होगी ट्रेन। जो यहाँ के सांसद हैं डूंगरपुर के बांसवाड़ा सांसद कन कमल कटारा ने कहा कि डूंगरपुर से अहमदाबाद के लिए पैसेंजर ट्रेन को शुरू करवाने के लिए प्रयास चल रहे हैं, और इसके लिए सभी स्तर बात करने की जो बातचीत है वो चल रही है। और साथ ही इसमें बताया कि वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रमुख से बात हुई है, आयुर्वेद मंडल के अधिकारी व अन्य अधिकारियों से बात हुई है। पैसेंजर ट्रेन चलाने कि हरी झंडी 15 जनवरी तक मिल जाए, अधिकारी में 15 जनवरी तक ट्रेन के चलाने की संभावना जताई है। उल्लेखनीय है कि ब्रॉडवेज का काम पूरा होने के बाद हाल ही में पहली बार इस ट्रैक पर मालगाड़ी का संचालन शुरू किया गया था। तो एक बड़ी अच्छी अपडेट है, इस ट्रैक पर जल्दी आप देखेंगे नई ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा, और 15 जनवरी के आसपास इस ट्रैक पर अहमदाबाद से आपको डूंगरपुर तक नई ट्रेन देखने को मिल जाएगी। तो राजस्थान के यात्रियों के लिए काफ़ी अच्छी अपडेट है कि जल्द ही अहमदाबाद के लिए इस रूट पर डूंगरपुर से आपको अहमदाबाद के लिए नई ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा। असरावा से हिम्मतनगर जो ट्रेन है इस ट्रेन का विस्तार करके इसको डूंगरपुर तक चलाया जाएगा। तो ये अपडेट थी राजस्थान से जुड़ी, जिसके बारे में मैंने आज आपको बताया। और मैं आपको बता दूँ, जैसे रेलवे बोर्ड द्वारा इस ट्रेन का ट्रेन शेड्यूल जारी किया जाएगा वैसे ही मैं आपको अपडेट करके बता दूंगा। उसके लिए नीचे लाल बटन दबा के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। ट्रेन संबंधी अनेक किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।